थाने रूलर और थाने सिटी पुलिस की इतनी बड़ी जॉइंट ऑपरेशन की है डेल्टा बिल्डिंग में, क्या पाया गया यहाँ पर? इस बिल्डिंग में बोगस कॉल सेंटर चल रहे थे। कितनी फ्लोर्स हैं इसमें? सात फ्लोर्स हैं, सात बोगस कॉल सेंटर चल रहे थे। इसके अलावा दो और बिल्डिंग में रेड हुई है, हमारी रेड अभी शुरू है। एविडेंस बहुत ज़्यादा है इकट्ठी करनी, लेकिन ये बोगस कॉल सेंटर चलाकर फॉरेन नेशनल से पैसा एक्सट्रॉट करने का काम चल रहा था। लेकिन अभी इस समय ऑनगोइंग रेड है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, एविडेंस इकट्ठी की जा रही है। ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही बड़े स्केल पे काम चल रहा था। करीब 500-600 लोग यहाँ ऊपर हैं जिनको जो इस काम में इन्वॉल्व थे। दूसरी बिल्डिंग में भी 200-250 लोग इन्वॉल्व थे। दो और बिल्डिंग है बाजू में और पुलिस ने जितनी एविडेंस है उसको अपने हम पोजेशन में ले रहे हैं, ताबे में ले रहे हैं, सीज किया जा रहा है। आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास ज़्यादा इनका जानकारी आ जाएगी, पूरी एविडेंस इकट्ठी हो जाएगी, हम आप सभी से कल दोपहर तक शेयर कर पाएंगे। मोडस क्या था इसका? ये एक इंटरनेशनल रैकेट है और मोडस क्या है वो आपसे कल शेयर किया जाएगा, बट इट इज बिल्कुल ही एक इंटरनेशनल रैकेट है, कई देशों में चलाया जाता था। यहाँ बैठ के पूरा एक बोगस कॉल सेंटर चल रहा था। सर क्या अब तक इस मामले में कितने लोग फिलहाल आपके पोजीशन में है? करीब 700-800 लोग हैं टोटल जो इस समय हमारे पास है। हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति का रोल, लेकिन काफी कई सौ लोगों का अरेस्ट होने की चांसेस है। क्या इसमें टैक्स से संबंधित कुछ मामला है या टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है आपके साथ में? नहीं, ये टैक्स से संबंधित अभी नहीं है। अगर कुछ स्टेज पे हमें लगेगा कि टैक्स डिपार्टमेंट को शामिल किया जाए तो अवश्य शामिल करेंगे, लेकिन अभी हमारा इनकम टैक्स से संबंधित ये मामला हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक चीटिंग, फोजरी, एक्सटॉर्शन, इस टाइप का एक रैकेट यहाँ से चल रहा था। आईटी एक्ट के भी प्रोविजन लगेंगे, टेलीग्राफ एक्ट के लगेंगे। बाकी जैसे एविडेंस आएगी हम आपसे कल शेयर करेंगे। साइबर क्राइम इसमें इन्वॉल्व है? आईटी एक्ट हम बता रहे हैं तो वो साइबर हो गया। कल तक इंतजार कीजिए। हमने आपको बताया कि चीटिंग की जा रही थी, फोजरी की जा रही थी, एक्सटॉर्शन की जा रही थी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ट्रेन। टोटल कितने कॉल सेंटर है? टोटल सात यहाँ चल रहे हैं, दो और बिल्डिंग है तो उन बिल्डिंग में उनमें एक एक ही है दोनों में। तो नहीं है, हर एक फ्लोर पे एक अलग अलग कॉल सेंटर है, अलग अलग मालिक है उसके। तो कॉल इनका मोडस ऑपरेंडी कॉमन है, लेकिन कॉल सेंटर्स अलग हैं, आरोपी कई सारे हैं, मालिक कई सारे हैं उनके। सर किसी मालिक की गिरफ्तारी अब तक हुई है? हम वेरीफाई कर रहे हैं। काफी सारे मैंने बताया 500-600 लोग हैं, कौन मेन लोग हैं, कौन या नहीं है, सबका रोल वेरीफाई किया जाएगा और कल तक आपसे शेयर किया। तीन जगह की रेड में कितनी फोर्स लगाई गई है? करीब हमारे 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी हैं। डीसीपी पराग मलेर हमारे क्राइम ब्रांच के पर्सनली लीड कर रहे थे रेड को, और हमारे जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी दोनों पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे ऑफिस में से, और जैसे ही पता लगा सफलता प्राप्त हुई है तो हम लोग यहाँ आपके साथ आए। सर ये काफी लंबे समय से चल रहा है, मुंबई और पूरे देश भर में चल रहा है, तो क्या किसी सूचना के आधार पर ये किया गया है या किसी की शिकायत है? देश की शिकायत नहीं थी, हमारे लोगों ने ही इन्फॉर्मेशन वर्कआउट की थी, हमारी क्राइम ब्रांच ने इन्फॉर्मेशन वर्कआउट की है। अब दूसरे देशों के साथ अवश्य शेयर किया जाएगा, इंटरनेशनल रैकेट है तो मुझे विश्वास है कि उनकी भी एजेंसीज अवश्य इसमें इंटरेस्टेड होंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।